अरे वाह, चलो चलो चलो, चलिए चलिए चलिए, चलो चलो सीधे। मैं भी थोड़ा उतर गई थी ताकि इनका वो मोमेंट कैप्चर कर पाऊँ और आप तक पहुँचा पाऊँ। अरे वाह, बस। माई चैनल तो जी, आज है 26 जनवरी, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी मैं हूँ कोलकाता में, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं कल ही यहाँ आई हूँ। और आज है सरस्वती पूजा भी, और कोलकाता में स्पेशली सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होता है। सो आज का डे सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को डेडिकेट है। सो फटाफट करती हूँ मैं इस स्पेशल डे को स्टार्ट, एंड आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस, जैसा मैंने कहा कि कोलकाता में स्पेशली सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से, काफ़ी लाइक जैसे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट होता है वैसे ही यहाँ पे सरस्वती पूजा सेलिब्रेट होती है। इवन मैं एक और बात आपको कह दूँ कि सरस्वती पूजा को कोलकाता का वैलेंटाइंस डे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन स्पेशली बंगालीज में आज के दिन पढ़ाई नहीं होती। लाइक जो भी हम लोग बुक्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने सारे बुक्स भगवान जी के पास रख देते हैं। सारी लड़कियां साड़ी पहनती हैं और लड़के कुर्ता पजामा पहन के बिल्कुल निकल जाते हैं पूरे पार्टी मोड में। सो इस वजह से कहते हैं कि सरस्वती पूजा वैलेंटाइंस डे होता है, सब लड़के लड़कियाँ आराम से घूमते फिरते हैं और कोई पेरेंट्स उनको बिल्कुल भी नहीं रोकते। खैर एनीवेज, तो अभी हमारे यहाँ भी मतलब मेरी दीदी के यहाँ सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है, पूजा होना है, तो मैं भी रेडी हो गई हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा। तो अभी हम लोग जाएंगे मेरी बड़ी वाली दीदी के यहाँ और वहाँ पे अच्छे से सरस्वती पूजा एंजॉय करेंगे। आज रिपब्लिक डे के और सरस्वती पूजा के अलावा भी एक बहुत स्पेशल डे है, और वो है मेरे जीजा जी का बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसा लग रहा है कोलकाता में बर्थडे सेलिब्रेट करके? मजा आ रहा है, क्योंकि सास के हाथ का बना हुआ खाना मिल रहा है। हाँ, और ये देखिए सास ने आज सास आई है। पहुंच गए हम लोग दीदी के घर और अब चलते हैं ऊपर। अच्छा है कि हम लोग को लग रहा था कि यार हम लोग लेट ना हो जाए, बट ऐसा है नहीं, अभी पंडित जी आए भी नहीं हैं तो हम लोग ऑन टाइम है। हेलो, ये देखो दी एकदम बिल्कुल येलो कपड़े में रेडी सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करने। कैसे गाइज, ये देखो, ये मेरे दो अनमोल रतन मेरे साथ है। हैप्पी सरस्वती पूजा। ये देखो आदि एकदम येलो कलर में रंग गया है, यहाँ पे कनिष्का भी और मैं तो हुई। तो अभी वैसे मैडम तैयार होंगी और फ्रेंड्स के साथ निकलेगी। कहाँ जाना बता दो सबको। नहीं बताना, ऐसा गोल्डन गोल्डन सा है, मुझसे कह रहा है येलो का गोल्डन गोल्डन सा बाबू। हाँ, कहाँ जाना है बताना? नहीं बताएंगे, मुझे बता नहीं रही है कि कहाँ जाना है। उसको लग रहा है कि अगर मैं भी इसके साथ साथ चली गई तो। लीना दीदी ने मुझे भी नहीं बताया। तुम्हें भी, देखो भाई को भी नहीं बताया। गाइस एक चीज अभी मैं दिखाने वाली हूँ, जैसे स्केच पेंटिंग्स होती है, ये देखो स्केच यहाँ पे इसका करवाया गया था हमारे उससे, कहाँ से, किंगडम ऑफ ड्रीम से। और ये रही, कहाँ से फेस मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे देखो कनिष्का ने भी अपने सारे बुक्स पेंसिल पेन रख दिए हुए हैं। और यहाँ पे आदि अब नोएडा से, वहाँ से तो ज़्यादा अपनी बुक्स नहीं ले पाएगा, इसलिए दीदी ने एक न्यू पेंसिल और एक बुक सॉरी कॉपी यहाँ पे रख दी है ताकि यहाँ पे इसकी भी पूजा हो जाए। बाकी यहाँ पे पूरा पूजा का सामान सब कुछ रखा हुआ है। और ये रही सरस्वती माँ।
सो गाइज अभी मैं निकल रही हूँ आकार के साथ, क्योंकि पंडित जी को आने में अभी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं और आकार निकल रहे हैं थोड़ा सा कैप्चर करने की कैसे सब लोग साड़ियाँ और एकदम मेकअप शेकअप करके आज सरस्वती पूजा एंजॉय करने। तो यहाँ पास में एक स्कूल है, वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं और आपको भी ज़रूर मैं दिखाती हूँ। सीधे से भाई राइट, ये देखो यहाँ पे सरस्वती पूजा की इतनी धूम है कि यहाँ पे अभी मैं एक स्कूल के सामने खड़ी हूँ और बच्चों को देखो सब साड़ी में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पेरेंट्स भी कुछ कुछ हैं, बट देखो एक बार देखो कितना अच्छा लग रहा है, अपने दिन याद आ गए सच में। ये माहौल था जो मैं कैप्चर करना चाहती थी और आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल्ली में सरस्वती पूजा का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है जितना यहाँ पे है। तो हम लोग आए ना हमारे पापा की इस स्कूटर में जो कि 20 साल पुरानी है, और यह कार चला रहे हैं, कह रहे हैं हम मुझे हैबिट है इसे चलाने की। नहीं, मैं नहीं मानता। जब से हैं कहीं पे भी जाना होता है तो आसपास, जैसे मेरी दीदी का घर मेरे घर से मुश्किल से 10 मिनट्स है और गाड़ी में तो 5-6 मिनट्स, तो मैं ये कहती हूँ कि चलो गाड़ी में चलते हैं। स्कूटर तो पापा का स्कूटर हम लोगों ने कैप्चर कर लिया है और दोनों इसी पे घूम रहे हैं। फाइनली पंडित जी आ गए और हमारी पूजा भी स्टार्ट हो गई है। पूजा हो गई है और अब मैडम जा रही हैं अपने दोस्तों के साथ, और ये बता दूँ ये जा रही है कोलकाता में गोल, कहाँ पे जा रही हो? डायमंड पार्क। डायमंड पार्क में वहाँ पे कुछ इवेंट और ये सब है, तो और ये देखो। अरे वाह, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये मम्मी की को भालो लग जी, हमरा ऐसे जी भालो लग जी। पूजा डन, सब कुछ अच्छे से हो गया और कनिष्का भी निकल गई अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करने, और हम लोग अभी करने वाले हैं लंच। तो आज क्योंकि घर में पूजा हुई है सो ऑफ कोर्स वेज ही बनेगा। सो देखो मैं दिखाती हूँ कि आज लंच में क्या क्या है। तो ये देखो, तो यहाँ पे है पुलाव, कश्मीरी आलू दम, उसके बाद ये है पनीर और चटनी और पापड़। तो फटाफट पहले लंच करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या क्या करना है। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और सब लोग बता दूँ लंच करके सब सो गए, मतलब जिसको जहाँ जगह मिली सब सो गए और मैं भी सो गई थी। देखो मेरा मुंह भी बिल्कुल फूल गया है, क्योंकि हम लोग की नींद ही नहीं हो रही है जब से हम लोग गुड़गांव से यहाँ आए हैं। मेरे मामा के बेटे की शादी है कल, तो हम लोग सब लोग वहाँ जाएंगे। तो ये देखो यहाँ कनिष्का आ गई है। अच्छा पहले बताओ, ये सब छोड़ो अभी, ये सब जो कर रही हो पहले बताओ कैसे घूमा, क्या क्या किया बताओ भाई, थोड़ा हमारी जनता जानना चाह रही है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा घूमा, और कहाँ कहाँ घूमा वो अभी डिटेल में क्या ही बताए, थोड़ा बताइए यहाँ के लोग भी तो जाने भाई, कहाँ कहाँ गई क्या की, रुक जाइए। हाँ अब बताओ। तो गए वहाँ पैंडल हॉपिंग भी किए। कहाँ गई? डायमंड पार्क। हाँ डायमंड पार्क गई, फिर वहाँ पे फिर पैंडल हॉपिंग किए, थोड़ा खाना वाना हुआ, डांस हुआ, गाना हुआ। अरे वाह सही है, सब लोग क्या कह रहे हैं तुम्हारी साड़ी देख के, तो अब 1 मिनट साड़ी का जो मैंने व्लॉग बनाया था उससे तुम्हें हेल्प मिली? हाँ बहुत ज्यादा हेल्प मिली है। अभी फेयरवेल आ रहा है उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल पक्का बिल्कुल बिल्कुल।
सो गाइज, जैसा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने 1 मिनट साड़ी ऑप्शंस आप लोगों को बताया था. इस तरह ही कनिष्का का भी इस बार 12th है, तो उसे भी काफ़ी हेल्प मिल गई है मेरे उस वीडियो से. सो अगर आप भी अपने फेयरवेल के लिए या अपने ऐसे हल्के फुल्के किसी फंक्शन के लिए 1 मिनट साड़ी ऑप्शन चाहते हैं, तो मेरा वो ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अभी फटाफट पहले करते हैं मेरे नेल्स को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाते हैं, थोड़ा सा हीरोइनों वाला लुक देते हैं. ये फाइनल मेरा जो नेल एक्सटेंशन जो मैं अभी तक इतनी देर से कर रही थी, सो ये फाइनल जो निकल आउटपुट निकल गया है वो कुछ ऐसा है, और ये काफ़ी सुंदर भी लग रहा है. तो अब होने वाला है जीजा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन. तो ये रहा इनका केक, और ये रहे जीजा जी. दीदी को भी बैठाइए साथ में जीजा जी के, ऐसे थोड़ी होता है. दोनों जीजा जी बैठेंगे. अरे दीदी को भी बैठाइए. तीनों क्या, तीनों जमाई ना ये टाइम क्यों तो प्लास्टिक के नीचे. ठीक है, इधर ये हैप्पी बर्थडे. अरे वाह, जमाई और सास का प्यार देखिए गाइस. अब है पापा की बारी. अरे वाह, दीदी वेट कर रही है. अरे वाह, ये तो कैप्चर होना ही चाहिए. ये अच्छा है. नहीं नहीं, ये देखो मेरी मम्मी भागते हुए. नहीं नहीं नहीं, अच्छा क्या अच्छा है. गिफ्ट तो दो. अरे गिफ्ट है. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. और ये है मेरी बेटी. हाँ ये है बेटी. तो केक कटिंग के बाद अभी मैं जा रही हूँ टेरेस पे. एक्चुअली दीदी ने आदि के लिए कुछ पटाखे हैं जो बचा के रखे थे दिवाली के, कि वो जब आएगा तब उसके साथ मिलकर सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे. हालांकि दिवाली को हुए 2-3 महीने हो गए हैं, बट स्टिल बच्चों को अच्छा लगता है कि सब लोग साथ में मिलकर पटाखे छुड़ाएँ. तो अभी हम लोग भी जा रहे हैं ऊपर, और वैसे भी आज रिपब्लिक डे है तो अच्छा है कि थोड़ा हम भी सेलिब्रेट कर लेते हैं. और जिया जी का बर्थडे तो है ही ऑफ कोर्स. तो चलते हैं ऊपर और जो थोड़े बहुत पटाखे हैं उसको छुड़ाते हैं और फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं. साथ करती हूँ मैं इस व्लॉग को यही एंड. एंड आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो सो गिव इट अ थम्स अप. चैनल पे नए हो सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल. बहुत जल्द मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अपना ध्यान रख के खुश रहिए और दूसरों में ढेर सारी खुशियां बांटिए. बाय.